यह देश विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों का है और वहाँ पर वर्ग विशेष की जो राजनीति हो रही है, धर्म विशेष की जो राजनीति हो रही है, वह राजनीति इस देश के लिए घातक है। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का समावेश है। तो फिर हम एक ही धर्म और एक ही समुदाय को लेकर के चलें तो वह मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए हितकारी नहीं है। और आज हमारे नौजवान को हिंदुत्व के नाम पे या और न जाने कितने धर्मों के नाम पर बहकाया जाता है और वो बहक भी रहे, एक तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, जो हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे देश की अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक है। इसी कारण हमने तय किया है कि एक नई राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए और यह कौन करेगा, जो वर्तमान नौजवान पीढ़ी है। इस वजह से यह हमने एक नारा दिया कि न जातिवादी न धर्मवादी, राजनीति में सिर्फ राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद ही इस देश के लिए सही है और इस देश के लिए अच्छा कुछ करने के लिए हमें राष्ट्रवाद विचारधारा ही रखनी चाहिए जिससे भाईचारा बरकरार रहे। इसलिए हम यह पार्टी का निर्माण किए हैं और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में हम यह जो चिंगारी को चिंगारी लगा रहे हैं, आज यह छोटी सी लव है, कल यह बड़ा रूप लेगी। और बड़ा रूप चिंगारी का अर्थ यह न समझें कि हम कोई सेना बना करके लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। हम एक देश को, अपने देश को, जो विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्म और विभिन्न समुदाय से बना हुआ यह देश है, इसको एकजुट करना चाहते हैं। युवाओं की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए यह राष्ट्रवादी सेना राजनीतिक दल बनाया।